हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर टेक्निक और इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर जो है, ये एक थर्मोडाइनमिक और एंजाइमेटिक दोनों तरीके की प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डीएनए सेगमेंट से बिलियंस ऑफ द कॉपी प्रोड्यूस की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स एंड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर और एंजाइम्स दोनों का यूज किया जाता है, इसलिए जो पीसीआर है ये एक थर्मोडाइनमिक और एंजाइमेटिक दोनों तरीके की प्रोसेस है। पीसीआर को इन्वेंट किया गया कैरिमुलिस के द्वारा 1985 में। ये रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। कैरिमुलिस ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स का यूज करके एम्पलीफाई कर सकते हैं जीनोमिक डीएनए या फिर सीडीएनए को। कैरिमुलिस के इसी वर्क के लिए इनको जो है 1993 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीआर मशीन को, ये और ये। यहाँ पे एक पीसीआर मशीन रनिंग कंडीशन में आपको दिखाई गई है, जहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सेट कर दिया गया है और इसको रन कर दिया गया है। यहाँ पे आप अलग अलग स्टेप जो है देख सकते हैं, इन स्टेप्स को अभी हम लोग फिगर की मदद से समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि पीसीआर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सबसे पहले जिस भी डीएनए सीक्वेंस का आपको जो है एम्पलीफिकेशन करना रहता है तो उसकी ज़रूरत होगी, इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। प्राइमर हमको दो जरूरत पड़ती है, एक तो फॉरवर्ड प्राइमर, दूसरा रिवर्स प्राइमर। क्योंकि आपको पता है जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा जो है इस डायरेक्शन में होगा। होता तो 5 to 3 prime ही है, डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 prime होता है, लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड में इस तरीके से इस डायरेक्शन में होता है और लैगिंग स्ट्रैंड में इस तरीके से रेप्लिकेशन होता है। तो जैसे कि नेचुरल कंडीशन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसी तरीके से पीसीआर में भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पे दो तरीके के प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, एक तो फॉरवर्ड प्राइमर, दूसरा जो है रिवर्स प्राइमर। ठीक है, और इस प्राइमर का जो साइज होता है वो 20 base pair होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जरूरत होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड की, या फिर हम कहें DDNTPs की। DDNTPs का मतलब है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इन सब की जरूरत पड़ती है। क्योंकि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होगा तो ये जो है ऐड किए जाएंगे, जिससे कि एक डीएनए सेगमेंट से मल्टीपल जो है कॉपी प्रोड्यूस हो सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है ये होती है हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की। क्योंकि यहाँ पर डीएनए की जो डीनेचुरेशन होता है ये 94 degree centigrade पर होता है, और इस टेम्परेचर पे सभी जो डीएनए पॉलीमरेज हैं, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, और ये जो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है ये थर्मस एक्वाटिकस नाम के एक बैक्टीरिया से लिया गया है, या फिर जो PFU पॉलीमरेज है ये पायरोकोकस फ्यूरियोसस से लिया गया है, जबकि वेंट पॉलीमरेज जो है ये थर्मोकोकस लिटोरेलिस से लिया गया है। तो ये तीन तरीके के जो है पॉलीमरेज यूज किए जाते हैं पीसीआर के लिए। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट, अभी प्रोसेस क्या है पीसीआर की इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेनली तीन जो है यहाँ पे स्टेप होते हैं, एक तो डीनेचुरेशन, दूसरा प्राइमर एनीलिंग और तीसरा प्राइमर एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर कर दिया जाता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर यूज किया जाता है ये 94 degree centigrade टेम्परेचर यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 35 to 39 साइकिल चलती हैं। तो पहली साइकिल के लिए ये जो डीनेचुरेशन का टाइम होता है ये 4 minute के लिए होता है, जबकि दूसरी साइकिल के लिए या फिर सबसिक्वेंट साइकिल के लिए ये 2 minute के लिए रहता है। प्राइमर एनीलिंग या फिर प्राइमर एडिशन, प्राइमर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 base pair के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो
ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम करते हैं और ये जो है टेम्पलेट डीएनए से जाकर के बाइंड कर जाते हैं। इनके पास फ्री थ्री प्राइम ओएच होता है जिससे कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो जो है डीएनए में जुड़ पाती हैं और आगे जो है डीएनए का इलोंगेशन हो पाता है या फिर एम्प्लीफिकेशन हो पाता है। तो प्राइमर एलिनिंग का मतलब है कि टेम्पलेट डीएनए में प्राइमर्स का एडिशन, और ये होता है 40 टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्राइमर है वो कितना लेंथ का है और प्राइमर में जीसी कंटेंट कितना है। जीसी जैसे कि आपको पता है कि जो ए और टी होता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और सी और जी जो है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो सी और जी को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी जबकि ए और टी को तोड़ने के लिए कम हीट की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जी और सी ज़्यादा है प्राइमर में तो ये हीट इसको ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो है एनीलिंग के लिए जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। जबकि अगर ए और टी का कंटेंट ज़्यादा है तो एनीलिंग टेम्परेचर डाउन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्राइमर एक्सटेंशन। यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोटाइड जुड़ने लगती हैं और जो है प्राइमर का एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है और ये जो प्रोसेस होती है ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है। इसके बाद जो बिलियंस ऑफ द कॉपी प्रोड्यूस होती हैं इनको 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पे आप फिगर के थ्रू देख सकते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन या फिर पीसीआर की जो रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमर रखे गए हैं और टेम्पलेट डीएनए लिया गया है और न्यूक्लियोटाइड लिया गया है और पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है ये एक मास्टर मिक्स है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डीनेचुरेशन की प्रोसेस हुई है, मतलब जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके बाद प्राइमर की एनीलिंग हुई है, मतलब यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिया गया है, एक फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा जो है रिवर्स प्राइमर। फिर जो है इलोंगेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब डीएनए की सिंथेसिस जो है कंटिन्यू हो गई है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कापी जो है प्रोड्यूस हो गई हैं। जो कापियाँ प्रोड्यूस होती हैं ये 2n कापी जो है प्रोड्यूस होती हैं, मतलब अगर एक साइकिल चलती है तो 2 कापियाँ और अगर 2 साइकिल चलती हैं तो 4 कापियाँ, अगर 3 साइकिल चलती हैं तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 कापियाँ। तो 2, 4, 8, 16 इस तरीके से कापियाँ जो हैं बनती हैं, मतलब यहाँ पे जो n का मतलब है ये नंबर ऑफ साइकिल से है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि पीसीआर का एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें हम जीन का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, मल्टीपल कापी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स का डिटेक्शन किया जा सकता है, जैसे कि कोविड टाइम पे आपने देखा आरटीपीसीआर। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन का डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन किया जा सकता है और ट्रांसजीन का डिटेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी एप्लीकेशन थे। इस तरीके से हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के वेरियस एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।